हेलो हलो हेलो हेलो तो गुड इवनिंग एवरीवन स्वागत है आप सभी का एकलव्य बैच फोर पॉइंट जीरो में जी हां मेरे प्यारे बच्चों आज मैं शुरू करने वाला हूं वेक्टर का लेक्चर नंबर वन जी हाँ बच्चों एंड वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर एक बढ़िया चैप्टर है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग पांच से छह क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी किसी शिफ्ट में पांच क्वेश्चन आ जाएगा किसी किसी शिफ्ट में छह क्वेश्चन आ जाएंगे लेकिन पूछे जरूर जाएंगे दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों गुड इवनिंग क्या बात है वेरी नाइस गुड इवनिंग गुड इवनिंग ट्रिकनोवटी फंक्शन चैप्टर रिमेन रिमेन अच्छा ठीक है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अरे तुक्का स्ट्रेटजी नहीं बेटा तुक्का स्ट्रेटजी की बात बाद में करेंगे तो बच्चों ये है हमारा है लेक्चर नंबर वन जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक्स के बारे में बिकॉज हम डायरेक्टली चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे जी हाँ यस मित्तल गौतम बोलता है कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट बताना जैस बेटा मैं सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके बाद मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा यार इसके अंदर सब कुछ एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा पूरा लेक्चर देखो फर्स्ट लेक्चर सेकेंड सब देखने की कोशिश करो बिकॉज जितना ज्यादा लेक्चर देखोगे उतना मजा आएगा यस yes. लेक्चर जितना ज्यादा देखोगे बच्चों उतना आपको मजा आने वाला है चलो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन तो सबसे पहले बच्चों ये जो वेक्टर्स चैप्टर है एमएसटी सीटी 2024 में क्लब बैच 4.0 में मैं सिखा रहा हूं आपको एंड सबसे पहले हम बात करेंगे जी हां वेक्टर्स के फॉर्मूले के बारे में ऑलरेडी फॉर्मूला ओपन है क्या बात है क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला तो पहले से ही ओपन है फॉर्मूला तो पहले से ही ओपन है अब ये सारे चीजें होती क्या है राइट चलो तो बच्चों जो हमारा ये फॉर्मूला है इसके अंदर स्केलर्स क्या होता है वेक्टर्स क्या होता है सब कुछ बात कराएंगे। कितने का है बट हां पांच से छे क्वेश्चन का हम लोग एवरेज लेके चलते हैं अगर मैं बात करता हूं बच्चों पांच से छह क्वेश्चन इसका तात्पर्य होता है कि कम से कम आपको अगर पांच क्वेश्चन पूछे तो दस मार्क का चैप्टर है अगर अगर छे क्वेश्चन पूछा तो बच्चों बारह मार्क का चैप्टर है यस पांच पूछा तो छ मार्क और सॉरी पांच पूछा तो दस मार्क्स और छह पूछा तो बच्चों तो वेक्टर्स के फॉर्मुले में सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर के बारे में तो बच्चों स्केलर का मीनिंग होता है ओनली मैग्नीट्यूड जी हाँ अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो हम क्या बोलेंगे स्केलर्स लेकिन अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाए बच्चो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाए अगर मैग्नेट और डायरेक्शन दोनों हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं वेक्टर जी वेक्टर्स हाँ। so, के अंदर नॉर्मली होता क्या है मान के चलो पॉइंट ए और पॉइंट बी है तो so, ए से बी अगर मुझे निकालना है वेक्टर तो क्या हो जाएगा ए बी बार क्या हो जाएगा बच्चों ए बी बार एंड नाउ ए बी बार क्या होता है आपका बी बार माइनस ए बार बोलो ए बी बार क्या होता है दोस्तों बी बार माइनस ए बार चलो बहुत बढ़िया यहां पर ए बार बी बार आर वेक्टर्स बच्चों ए बार बार बी यहां पे क्या होते हैं पोजिशन समझने कुछ लोग एक्चुअली क्या होता है ना अगर हम स्पेस की बात करते हैं अगर हम बच्चों स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस के अंदर यस आप किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन बताना है तो किसी के रिस्पेक्ट में बताना पड़ता है तो वैसे ही ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर किसी पॉइंट ए की बात करेंगे तो उसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा बच्चों ए बार ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी की बात करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा बी बार एंड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट सी की बात करेंगे सी बार ठीक है चलो तो उसी तरीके से अगर मुझे ए बी बार निकालना है तो मुझे ए बार और बी बार का यूज करना पड़ेगा बच्चों पोजिशन तो बार माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली अगर मुझे ए बी बार का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे दिखाते हैं बेटा ए बी बार का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू ऑलवेज लेंथ ऑफ ए बी बार जी हाँ अगर आपने ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला ना तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों जी हाँ हमारा होता है तो लेंथ चलो अब आता है हमारे पास एडिशन ऑफ ट्राइंगल लॉ यस एडिशन ट्राइंगल लॉ सर एडिशन ट्राइंगल लॉ क्या होता है तो एडिशन ट्राइंगल लॉ की बात किया हमारे पास एक ट्राइंगल होगा हमारे पास एक पॉइंट होगा बच्चों अगर हम बात करेंगे पॉइंट की तो मान लो ये पॉइंट है अब यहां से मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है बराबर यहां से मुझे दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है तो यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए दो तो रास्ते हैं पहला रास्ता ए बार से से होते होते हुए हुए फिर यहां बी बार से होते हुए बराबर जब आप ए बार से होते हुए बी बार से होते हुए जाओगे तब आप इस पॉइंट तक पहुंचोगे दूसरा रास्ता डायरेक्टली ए से बी पहुंच जाओ यस मतलब डायरेक्टली इस पॉइंट तक पहुंच जाओ तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी

हमने यहां से यहां पहुंचे यहां से यहां पहुंचे तो हमें क्या मिल गया ए nice. तो बार प्लस बी बार वेरी नाइस की वैल्यू क्या हो गई सर ए बार बी बार ए बार प्लस बी बार अब इसी तरीके से आता है पैरलोग्राम लॉ उसमें कैसा होता है अगर ये पैरलोग्राम है तो आप सभी को पता है ये ये वेक्टर मतलब ये लाइन और ये लाइन इसको हम बोलते हैं को टर्मिनस यस

इसको हम बोलते हैं हैं लॉ. लॉ. लॉ तो है ट्रेंगल लौ। ट्रेंगल लौ में अगर यहां से यहां तक जा रहे वैसे ही चलो आगे बढ़ते हैं ये स्मॉल होगा बच्चों ध्यान देना प्लीज कंफ्यूज मत होना अब आता है हमारा कोलिनियर वेक्टर्स. देख भाई अब ध्यान से समझना मैं जो बोलने वाला हूं अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है समझते हैं जरा जैसे मान के चलो दो वेक्टर हैं दोनों एक के ऊपर एक है देखो ये दो वेक्टर हैं ऐसे दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो उसे हम क्या बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर दोनों ऐसे हैं मतलब पैरेलल है तो भी हम क्या बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों चाहे वो वेक्टर एक के ऊपर एक हो या दोनों आपस में पैरेलल हो दोनों केस में उसे हम क्या बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर क्या बोलते हैं दोस्तों वेक्टर्स। हाँ <laughs> तो है ए बी बार दूसरा वेक्टर है पी क्यू बार कोलिनियर वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो बता दिया लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ ये कोलिनियर वेक्टर ही है तो बच्चों अगर एक वेक्टर ध्यान से सुना अगर एक वेक्टर

हाँ बेटा क्वेश्चन कराएंगे ना रुक जाओ पहले पहले बेसिक्स तो कर ले डायरेक्टली तो क्वेश्चन करेंगे तो कुछ नहीं समझेगा ठीक है चलो चलो वेरी नाइस nice. क्या बात है बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया एकदम पढ़ते रहो इसको अच्छे से वेरी गुड तो यहां पे क्या हो गया ए बी बार इक्वल टू के इन पी क्यू बार तो अगर कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का के टाइम्स होगा तो हमेशा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों वेक्टर्स क्या बोलते हैं दोस्तों कोलिनियर वेक्टर्स करेक्ट यस yes. तो अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का के टाइम्स रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर अच्छा एक बात और हमको ये कौन तो दिया है लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे समझना है पर एग्जाम में आएगा तो हमेशा रखना अगर बोलता है कि ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो हमेशा i के कोई फिशन का रेशियो j के कोई फिशन का रेशियो और k के, के कोई फिशन का रेशियो क्या हो जाएगा सेम बच्चों i के कोई फिशन का रेशियो j के कोई फिशन का रेशियो एंड k के कोई फिशन का रेशियो क्या हो जाएगा सेम मतलब टू अपॉन फोर इज इक्वल टू यस टू अपॉन फोर इज फाइव अपॉन अगर i के कोई फिशन का रेशियो j के कोई फिशन का रेशियो और k के कोई फिशन का रेशियो सेम आता है ओके okay. तो हम लोग क्या करेंगे बेटा समझ जाना कि ये क्या है आपका यस कोलिनियर वेक्टर्स क्या है आपका कोलिनियर वेक्टर्स जैसे आप देखो ना 2 अपॉन फोर क्या होता है 1 अपॉन टू थ्री अपॉन सिक्स भी क्या होता है 1 अपॉन टू एंड 5 अपॉन टेन भी क्या होता है वन अपॉन राइट राइट चलो बहुत बढ़िया तो अगर हमने आई जे और K के कोई फिशन का रेशियो निकाला और अगर रेशियो क्या मिला वो क्या मिला रेशियो सेम बहुत ध्यान से देखो बहुत क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं राइट इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर रेशियो सेम निकला तो क्या हो जाएगा कोलिनियर एकदम ध्यान से देखो चलो कुछ शॉर्टकट भी कर लेते हैं मतलब हमारे पास point P है, X, y, Z. हमारे पास पास है है बात को कि प्लेन आपका एक्स वाई भी हो सकता है प्लेन आपका वाई जेड भी हो सकता है प्लेन आपका जेड एक्स भी हो सकता है अगर कोई भी प्लेन हमें दिया गया है अगर मुझे हमारे इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से चाहिए बोलो कौन से प्लेन से एक्स वाई प्लेन से तो बस जेड कोऑर्डिनेट का ले लो मॉडलो मॉडुलस तो तो जैसे मान लो पी की वैल्यू है माइनस वन कॉमा टू थ्री तो बोलो थ्री का मॉडुलस क्या हो जाएगा थ्री बिकॉज मॉडुलस क्यों ले रहे बिकॉज पॉइंट तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है लेकिन जो so, डिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव यस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव राइट समझ गए तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज ऑफ ऑफ जेड नेक्स्ट डिस्टेंस पी फ्रॉम देखो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इसलिए अच्छे से पढ़ के रखो यार बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन इज मॉडल ऑफ एक्स

पहले हम करते थे एक्स और वाई में अब ये वेक्टर है तो क्या हो जाएगा सर एक्स वाई जेड चलो नाउ नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट डिस्टेंसिनेट एक्स देखो पिछले वाले में क्या था कि हमने पॉइंट पी का डिस्टेंस प्लेन से निकाला जैसे अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन से पी का डिस्टेंस क्या है अगर ये वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन से पी का डिस्टेंस क्या है तो कोई भी प्लेन है वहां से p का डिस्टेंस क्या है वो हमने निकाला लेकिन यहां पे क्या है कि x एक्सिस से p का डिस्टेंस क्या होगा y एक्सिस से p का डिस्टेंस क्या होगा z एक्सिस से p का डिस्टेंस हो क्या होगा मान चलो p एक पॉइंट है जो कि है x, y, z तो सिंपल है बेटा अगर x एक्सिस से है तो √y² z² करेक्ट अगर y एक्सिस से है तो बचा कौन एक्सएन z तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्सर अगर z axis से है तो क्या बचा बेटा y, square root of X square plus y square. क्या बात है क्या बात है दोस्तों यार सबको समझ में आ रहा है कि नहीं जल्दी बोलो सारा बेसिक्स में क्लियर कर रहा हूं आप लोग का बच्चों यस yes, मेरे प्यारे बच्चों सारा बेसिक्स में आपको क्लियर कर रहा हूं अभी क्या ही चाहिए आपको देखो हर चीज बता रहा हूं मैं आपको इसलिए कुछ भी आपका जाना नहीं चाहिए ठीक है तभी लोग एकदम जोर शोर में पढ़ाई करो जोर शोर में चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब आता है कि अगर कोई भी पॉइंट ए बार है तो उसकी जो वैल्यूज होती है हमेशा हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप, के कैप के रूप में लिखते हैं जहां पे आई कैप होता है यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस जे कैप होता है यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस एंड के कैप होता है बच्चों यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस वाओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन फॉर्मूला सर सेक्शन फॉर्मूला बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मान के चलो कि अगर पॉइंट आर ए बी को एम ईस टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है जरा ध्यान सुनियो सब लोग अगर पॉइंट आर ए बी को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है तो बोलो क्या हो जाएगा आर बार इज इक्वल टू एम इन टू बी बार बोलो आर बार इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा एम इंटू बी बार प्लस एन इंटू ए बार तो आर बार इज इक्वल टू एम इंटू बी बार प्लस एन इंटू ए बार होल डि प्लस एन क्या बात है अगर यही एक्सटर्नल डिविजन हुआ सेम तरीका होगा बच्चो बिकॉज पॉइंट आर डिवाइड करता है ए बी को तो आर बार इक्वल टू एम इंटू बी बार माइनस एन इंटू ए बार सही है सो आर बार इज इक्वल टू बच्चो ध्यान ना बार बार इज इक्वल इक्वल टू टू ओके रहा है ए बी को चाहे इंटरनली बोले चाहे एक्सटर्नली बोल फर्क नहीं पड़ता बस ध्यान दो कि अगर इंटरनली बोलता है तो बीच में प्लस आएगा और बच्चों अगर एक्सटर्नली बोलता है तो बीच में क्या आएगा माइनस क्या आएगा बच्चों माइनस yes. तो बोलो आर बार की वैल्यू क्या हो जाएगी हमेशा अगर आप आपको स्टार्ट करना है हमेशा रेशियो से ही बिकॉज कई सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं मैक्सिमम लोग गलती करते हैं इसके अंदर और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा बच्चा इसमें गलती करके आए तो अगर आपने रेशियो से स्टार्ट किया मतलब हमेशा रेशियो से ही स्टार्ट करना है तो उल्टा जाओ मतलब क्रॉस में जाओ तो एम का मल्टीप्लाई बी के साथ करो क्या आएगा एम बी बार फिर एन का मल्टीप्लाई ए बार के साथ एन ए बार और क्या हो जाएगा एम और एन अब अगर ये इंटरनल डिवीजन है तो प्लस आएगा बीच में और एक्सटर्नल तो माइनस आएगा बस इतना है देखो नेक्स्ट चलो अब आता है बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला इफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होल डिवाइडेड बाय टू इफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होल डिवाइड बाय टू आता है सेंट्रॉइड इफ जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए बी सी सो जी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार होल डिवाइड बाई थ्री जी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई थ्री अच्छा टेट्राहेड्रन का भी सेंट्रॉइड है जिसके अंदर चार पॉइंट है पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी अब ए बी सी डी का जो सेंट्रॉइड है वो जी है बच्चों ध्यान देना ए बी सी डी का सेंट्रोइड यहां पे क्या है जी अगर मुझे जी बार निकालना है सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी बार ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस बार होल डिवाइड बाय एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट का सेंट्रोइड है तो तीनों वर्टेक्स को एड करके डिवाइड बाय थ्री कर दो अगर आ, का सेंट्रोइड है तो तीनों एंगल को ऐड करके सॉरी तीनों वर्टाइसिस को एड करके मतलब ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय फोर कर दो आ गया आपका स्केलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड वेक्टर पहले मैं सिखाऊंगा देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है समझो बच्चों प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई देखो स्केलर तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप बचपन में सीख रहे जैसे टू इंटू थ्री सिक्स होता है हम बचपन से सीख रहे हैं कि स्केलर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं लेकिन अगर वेक्टर आ जाए बोलो क्या आ जाए बच्चों वेक्टर तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए उनकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या आनी चाहिए हो सकता, है, स्केलर आ, हो सकता है, है पर हम दो वेक्टर की बात करते वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा और अगर आंसर स्केलर आ रहा है कोई भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं आंसर स्केलर आ रहा है से हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या बोलेंगे बेटा स्केलर प्रोडक्ट उसे दूसरे शब्दों में बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट भाई स्केलर प्रोडक्ट बोलो या डॉट प्रोडक्ट दोनों दो का मीनिंग क्या होता है सेम दूसरा बात अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आंसर आ रहा है वेक्टर वैल्यू बेटा आंसर क्या आ रहा है यहां पे वेक्टर वैल्यू उसे तो हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट बिकॉज आंसर वेक्टर आ गया इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट समझ गए बात चल अगर हम तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर स्केलर आ रहा है तो उसको बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्योंकि तीन हो गया ना तो बीच में क्या करोगे ट्रिपल वर्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेकिन अगर उन्हीं तीनों को वेक्टर को मल्टीप्लाई कर आंसर वेक्टर में लाना है तो क्या बोलोगे सर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट समझ गए बात को यस yes, परफेक्ट ओके okay, ओके okay. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों एक बार कंफर्म करना सबको कि नहीं हेलो 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 क्या बात है सभी को समझा थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच सभी को समझ में आ रहा है क्या जल्दी बोलो यार फटाफट बिकॉज हम लोग अभी आगे करने वाले कौन से फिर हम करेंगे क्वेश्चन yes, प्यारे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं चलो क्या बात है क्या बात है तो अब आते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट की तरफ तो बच्चों ध्यान से सुनो मान के चलो मेरे पास दो वेक्टर है ए बार और डी बी बार और मान के चलो दोनों के बीच का एंगल है थीटा बच्चों दोनों के बीच का एंगल यहां पे क्या है थीटा डॉट बी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब बी बार का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स यस मेरे प्यारे बच्चों थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स तो अगर मेरे पास ए बार बी बार दो वेक्टर हैं, दोनों तो के बीच का निकालना है डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल सॉरी ए बार डॉट बी बार इंटू थीटा अब अगर यहीं से निकालना है थीटा की वैल्यू ए बार बी बार के मैग्नीट्यूड को भेज दो इधर बोलो क्या आंसर आएगा ए बार डॉट बी बार बोलो क्या आंसर आएगा बच्चों ए बार डॉट बी बार होल डिवाइड बाय ए बार का मैग्निट्यूड इंटू बी बार का मैग्नीट्यूड समझ गए बच्चों एकदम सिंपल है मतलब कभी अगर आपको एंगल निकालना हुआ दो वेक्टर के बीच का आप क्रॉस भी यूज कर सकते हो डॉट भी यूज कर सकते हो बट मैं आपको इसमें नसीहत यही देना चाहूंगा कि यूज डॉट प्रोडक्ट था सिंपल होता है और कुछ नहीं ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय ए बार का मैग्नीट्यूड इनटू डॉट इनटू बी बार का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय राइट करेक्ट परफेक्ट आगे बढ़े चलो चलो याद रखना बच्चों जब कभी भी दो वेक्टर आपस में होते हैं परपेंडिकुलर इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो बोलो क्या हो जाएगा उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो बच्चों उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो क्या बात है यार एक नंबर तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दियर डॉट प्रोडक्ट को याद कर लो कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज होगा तो ये सब जो है जो मैं आपको बता रहा हूं पहली बात तो कई लोग बोलेंगे सर पता तो है हमें अरे पता तो है वो तो मुझे भी पता है लेकिन यूज करते समय आप फंस जाते हो आपको याद ही नहीं आता सर कैसे करें यस yes. हम लोग ए बार डॉट बी बार लिखे या बी बार डॉट ए बार लिखे दोनों का मीनिंग सेम होता है याद रखना बच्चों आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के डॉट के कैप के इक्वल क्या होती है वन लेकिन अगर उल्टा हो जाए मतलब आई को जे के साथ रखो आई को के, के साथ रखो या जे को के, के साथ रखो तो आई डॉट जे जे डॉट के या के डॉट आई हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों जीरो क्या बात है अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके पास ए बार है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के बच्चों ए बार क्या है आपके पास ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के एंड बी बार की वैल्यू है तो so, हमारे पास अगर दो वेक्टर दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ i j k बच्चों अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ i j एंड k सो so, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालने का सिंपल i को i के साथ मल्टीप्लाई करो j को j के साथ k को k के साथ

डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्रॉस की तरफ। तो बच्चों अगर हमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा ए बार का मैग्नीट्यूड इंटू बी बार का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा बच्चों क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए बार का मैग्नीट्यूड इंटू बी बार का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप

Yes, बच्चों उस केस में हम लोग क्या करेंगे एक एन कैप एड कर देंगे जहां पे एन कैप क्या होता है बेटा इट इज यूनिट वेक्टर कैप लग गया बच्चों जहां कहीं भी कैप लग गया समझ जा रहा उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर लेकिन ये यूनिट वेक्टर किसके ऊपर है तो सुन लो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए बार एंड बी बार बच्चो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए बार एंड बी बार तो एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए बार और बी बार के ऊपर परपेंडिकुलर है करेक्ट हो गया चलो बहुत बढ़िया सर मेरे को एन कैप नहीं लिखने का है तो कैसा करने का फॉर्मूला कैसा बनाने का तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड ले लो तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बार का मैग्नीट्यूड बी बार का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा यहां पे कॉस था वहां पे साइन देखा अगर साइन थीटा निकालना है बच्चों

अगर आपको इक्वल करना है तो माइनस लगाना पड़ेगा दोस्तों बहुत ध्यान से सुना ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार बट अगर आपको इक्वल करना है सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बिकॉज आपने डायरेक्शन बदल दिया ए बार क्रॉस बी बार मान लो लेफ्ट से राइट जा रहा है अगर आपने बी बार क्रॉस ए बार किया तो वैल्यू तो सेम ही है पर डायरेक्शन बदलने की वजह से दोनों इक्वल नहीं होंगे बिकॉज ये वेक्टर है वेक्टर में क्या होता है एंड डायरेक्शन बोथ वेक्टर में क्या होता है दोस्तों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ समझ गए चलो बहुत बढ़िया तो नाउ व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार व्हिच इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार क्या बात है क्या बात है दोस्तों एक नंबर वो आ जा रहे हैं लोग अब यहां पे क्या होता है अगर हम लोग सेम वेक्टर लेंगे उसकी तो वैल्यू जीरो आएगी मतलब i कैप क्रॉस i कैप j क्रॉस j क्रॉस j क्रॉस j कैप एंड k क्रॉस k कैप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो लेकिन 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 बच्चों अगर ये i है एकदम सीक्वेंस फॉलो करो और ये k है अगर मुझे i क्रॉस सेम सेम तो जीरो होता है सबको मालूम पड़ गया अगर मुझे i को j के साथ में क्रॉस निकालना है बच्चों आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के कैप समझ गए करो sequence follow करो क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप देन के क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप देखा आपने लेकिन सर अगर सिक्वेंस उल्टा करें तो क्या होगा बेटा सिक्वेंस उल्टा करोगे तो वैल्यू माइनस में आएगी जैसे अगर मैंने i क्रॉस k किया तो आंसर -j होगा चेक कर लो देखो तो बराबर मैंने k क्रॉस j किया तो आंसर -i होगा मैंने j क्रॉस i किया तो आंसर -k होगा देखा आप सभी ने तो सीक्वेंस सीधा है तो आंसर बराबर है बट बर अगर सीक्वेंस थोड़ा भी गड़बड़ाया तो क्या करोगे दोस्तों जी हाँ आंसर क्या हो जाएगा माइनस में वाओ अब सर अगर हमारे पास a बार b बार दो वैल्यू दी गई हो तो क्रॉस कैसे निकालने का तो बच्चों a क्रॉस b बार का फॉर्मूला होता है i कैप j कैप k कैप बाद में a बार का कोई ले लो बोलो a बार का कोई क्या होता है बेटा ए वन ए टू ए थ्री ए वन ए टू ए थ्री बोलो b बार का कोई बच्चों बी वन बी टू बी थ्री बी वन बी टू बी थ्री तो यहां पर हमने पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट फिनिश कर दिया डॉट प्रोडक्ट फिनिश किया एक बार फटाफट चैट बॉक्स में बोल दो बच्चों क्या सभी को समझ में आया क्या यस yes और नो no. फटाफट जल्दी बोलो बच्चों। परफेक्ट जल्दी बोलना मेरे प्यारे बच्चों फटाफट फटाफट एक बार रिप्लाई कर दो सभी लोग क्या सभी को क्लियर हुआ इतना फिर आगे बढ़ते हैं ज देखो फॉर्मुला इसके अंदर बहुत है चैप्टर बड़ा है चाहे तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता हूँ तो तो क्वेश्चन एक एक कर लेते हैं हैं एक दो क्वेश्चन देखते कैसे क्वेश्चन है okay. तो बच्चों आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं नहीं तो आप बोले सर क्वेश्चन तो आप करा ही नहीं रहे हो ओके okay. देखो ये पहला क्वेश्चन वेक्टर्स बच्चों ध्यान से सुनो सुनोन वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर कोई बात नहीं बट सी बार की वैल्यू है एक्स माइनस टू ए बार प्लस बी बार एंड डी बार की वैल्यू क्या है टू एक्स प्लस वन ए बार माइनस बी बार आर कोलिनियर मतलब बच्चो सी बार एंड डी बार आर कोलिनियर सी बार डी बार क्या है दोस्तों कोलिनियर अगर सी बार और डी बार दोनों आपस में कोलिनियर है तो मैंने क्या बोला है कि जैसे ही कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आएगा देखो वेक्टर पढ़ लो बिकॉज वेक्टर समझा तो लाइन प्लेन भी समझेगा तो वेक्टर लाइन प्लेन ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे के जुड़े हुए हैं ओके चलो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच तो सी बार एंड डी बार कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है कि सी बार की जो भी वैल्यू है डी बार की जो भी वैल्यू है का रेशियो क्या होगा सेम सर पे बार बार दिया है आई और जे और के नहीं दिया अरे तो नहीं डरने का टेंशन नहीं लेने का बेटा आई जे के नहीं दिया तो घबराने का नहीं यहाँ पे ए बार का काफिशियंट कौन है एक्स माइनस टू टू एक्स प्लस दोनों का रेशियो ले लो एक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू एक्स प्लस वन क्योंकि इक्वल होगा बी बार के बाजू का और यहां पे बी बार के बाजू का को माइनस वन देखा आपने

जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट समझ में आया क्या यस और नो यस दोस्तों जल्दी बोलो समझ में आया क्या Very good. क्या बात है क्या बात है करेक्ट आंसर देखो आप सभी लोग से देखो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है बच्चों की आप हमेशा सी टी के लेक्चर में एक बुक और पेन साथ में लेके बैठो क्योंकि क्या होता है जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप ट्राई करो ऑन द स्पॉट सॉल्व करने के लिए अच्छा एक कोप्लेनर क्वेश्चन आ गया रुक जाओ रुक जाओ बच्चों यहां तो क्या बोला है पॉइंट्स ए ए बार दैट इज बी बी बार एंड सी सी बार कोलिनियर बच्चों जरा ध्यान देना अभी दिमाग लगाओ सब लोग हमारे पास पॉइंट ए बार है बी बार एंड सी बार ये तीनों पॉइंट क्या है बच्चों आपस में कोलिनियर है कई लोग बोलेंगे सर दो वेक्टर है तो फटाफट समझ आता है यहाँ पे तीन पॉइंट दे दिया बच्चों पॉइंट बोला है पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर

देख बेटा ये बी बार के कोई का रेशियो ले बी बार के बाजू में वन है और यहां पे बी बार के बाजू में कोई नंबर नहीं मतलब वन है साइन के साथ लेंगे प्लस वन डिवाइड बाई माइनस वन तो ए बार के कोई बाई बी सॉरी ए बार के कोट का रेशियो एंड बी बार के का रेशियो क्या हो जाएगा सेम क्लियर क्लियर यस यस बच्चों अगला सवाल कर रहे थे हम लोग जरा देखो सब लोग प्लीज ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं कि आपको पॉइंट्स दो पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली वेक्टर दिया था तो आपने ए बार और बी बार के का रेशियो निकाला और उसको इक्वेट किया तो आपको एक्स की वैल्यू आगे तो तो पहले बी बार माइनस ए बार निकालते हैं बी बार यहाँ पे क्या है ट्वेल्व आई माइनस फाइव जे माइनस ए बार ए बार क्या बेटा टेन आई प्लस थ्री जे तो सॉल्व करो ट्वेल्व आई माइनस फाइव जे माइनस टेन आए माइनस थ्री जे आई को आई के साथ जे देखो ना सब लोग ट्वेल्व माइनस टेन क्या होता है वच्छो? प्लस टू आए माइनस फाइव माइनस थ्री क्या होता है माइनस एट जे चलो आ गया अब ए सी बार निकालते हैं तो सी बार माइनस ए बार होगा अरे लिखा हमने अल्फा या अल्फा नहीं लिखो ए बार अल्फा लिखा है अल्फा है तो अल्फा ए बार आई कैप प्लस 11 जे कैप माइनस ए बार की वैल्यू 10 आई प्लस 3 जे चलो तो अल्फा ए बार प्लस 11 जे माइनस 10 आई माइनस 3 जे तो फाइनली ए को एक सॉरी अल्फा ए बार क्यों लिखा आई डोंट नो ये आपका आई कैप है हाँ

तो अगर AB बार AC बार कोलीनियर हैं तो उनका रेशियो लेते हैं ना बच्चों वही करेंगे चलो AB बार किधर है देखो इधर है और सॉरी AC बार इधर है तो 2 अपॉन अल्फा 10 2 अपॉन अल्फा बिकॉज़ i के बाजू में कौन 2 और यहां पे i के बाजू में अल्फा 10 इज इक्वल टू j के बाजू में minus -8 और यहां पे j के बाजू में plus +8 तो बच्चों क्या हो जाएगा अपॉन अल्फा माइनस टेन इट कैंसल आएगा माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो माइनस वन का मल्टीप्लाई अल्फा माइनस टेन में करेंगे तो माइनस वन का मल्टीप्लाई अल्फा में किया तो माइनस अल्फा और इसी माइनस वन का मल्टीप्लाई हमने माइनस टेन में किया 10. Alpha, तो प्लस टेन चलो अल्फा कहा प्लस अल्फा टू उधर गया एट आ जाएगा बच्चों अल्फा की वैल्यू है एट क्या सभी का सी आंसर आया यस yes, बच्चों जल्दी रिप्लाई करो तो मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करो बिकॉज कोलिनियर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटी के एग्जाम में ध्यान देना कोलिनियर के ऊपर सीटी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यस अबे डी कैसे आ गए पगले माइनस <laughs> अल्फा तूने इधर भेजा तो प्लस अल्फा टू उधर गया तो टेन माइनस टू एट होता है कितने लोग का आंसर आया एट यस देख लो फिर से एक बार हमने पहले क्या निकाला ए बी बार सर ए बी बार क्या होता है बी बार माइनस ए बार माइनस इज टू आई माइनस फाइव माइनस माइनस टेन और इलेवन माइनस थ्री इज वॉट एट करेक्ट जब दोनों को इक्वेट किया सो टू अपॉन अल्फा माइनस टेन इज इक्वल टू माइनस एट अपॉन एट विच इज इक्वल टू माइनस वन टू अपॉन अल्फा माइनस टेन इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस टेन अल्फा इज इक्वल टू एट परफेक्ट है करेक्ट है यस इज द करेक्ट आंसर इसमें कई सारे बच्चे ना जान बुझ के डी बोल रहे हैं ए बोल रहे हैं बेटा देखो आप मेरे साथ सॉल्व करो कॉन्सेप्ट नहीं हटना चाहिए एक बार कॉन्सेप्ट हटा तो परेशान हो जाओगे ठीक है चलो परफेक्ट एक नंबर करेक्ट है बेटा करेक्ट है एकदम करेक्ट है यस yes. चलो अब थोड़ा सा और बेसिक कर लेते हैं मतलब फॉर्मूला बच्चों फॉर्मूला बाकी है अभी सर अभी पूरा फॉर्मूला खत्म किधर हुआ सोचो तो ना हम लोग पूरे फॉर्मूले करेंगे भाई ये वेक्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार बार ऑन ए अगर बी बार का देखो किसके ऊपर निकाल रहे हो वो मैटर करता है अगर आपने बी बार ऑन ए बार किया तो ऊपर आएगा ए बार डॉट बी बार बी बार ऑन ए बार का मीनिंग यहाँ पे क्या है बच्चों ए बार डॉट बी बार

स्केलर प्रोजेक्शन भी दे सकता है बच्चों वेक्टर प्रोजेक्शन भी दे सकता है 2023 के क्वेश्चन में वहां पे स्पेसिफाई किया स्केलर की वेक्टर इसलिए आप हमेशा क्लैरिटी रखो कि सामने वाले बंदे ने क्वेश्चन क्या पूछा है स्केलर बोला है कि वेक्टर बोला है चलो बहुत बढ़िया क्या बात है यार बहुत मजा आ रहा है मेरे को थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों क्या बात है एक नंबर एक नंबर दोस्तों एक नंबर ओके okay, अगर हमें निकालना है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार 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 ऑन ऑन ए ए ए तो ही ही है मतलब डिनोमिनेटर में ही होगा लेकिन ये वेक्टर है वेक्टर में क्या करने का अगर ऑन ए बार बोला है ना तो ऊपर ए बार और नीचे ए बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहां पे ए बार डॉट बी बार होगा समझो जरा बात को अगर ऑन ए बार बोला है समझो बात को अगर ऑन ए बार बोला है ए बार डॉट बी बार होगा राइट इन टू ए बार और नीचे के मैग्नीट्यूड का अगर हो बोला होता के का ठीक है बच्चों चलो बहुत बढ़िया अब सबको पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर निकालना है ए बार का वो हो जाएगा ए कैप होता है ए बार डिवाइड बाय ए बार का मैग्नीट्यूड अगर आपको कोई देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाला निकालना है इससे बोल दिया ना वेक्टर बार तो फटाक से ए बार का मैग्नीट्यूड निकाल करके उसमें एम का मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा वन अगर यूनिट वेक्टर बोला तो उसका क्या One. और उसमें हमने एम का मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट क्या हो जाएगा एम तो बस और क्या सो so अगर अलॉन्ग विथ ए बार बोला है तो ए बार डिवाइड बाई ए बार का मैग्नीट्यूड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा यूनिट वेक्टर उसमें एम का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा एम वाला मैग्नीट्यूड करेक्ट है क्या यस yes. बच्चों आ गया थ्री डी कॉन्सेप्ट देखो पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं फिर अगले लेक्चर से मैं आपको पूरा पूरा एमसी क्यू पी क्यू ही करवाऊंगा हाँ दोस्तों एमसी क्यू पी वाई क्यू ही करवाऊंगा बाद में बोलना नहीं कि सर बेसिक बताओ पूरा बेसिक करो यार हां शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा सर इट्स माय फर्स्ट लाइव लेक्चर कॉन्ग्रेचुलेषन बेटा कॉन्ग्रेचुलेन थ्री डी कॉन्सेप्ट में अगर मेरे पास कोई पॉइंट पी है तो अगर उसका मुझे x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा एंगल बनाना है तो बच्चों अल्फा बीटा एंगल यहां पे क्या होता है डायरेक्शन एंगल्स जो कि x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ बनता है नेक्स्ट अगर, अगर इन्हीं एंगल को हम लोग लगा दे कॉस के साथ मतलब क्या मिलेगा कॉस अल्फा cos बीटा cos गामा क्या मिलेगा दोस्तों cos अल्फा cos बीटा cos गामा तो cos के साथ लगाया तो कोसाइन रूल दोस्तों कोस के साथ लगाए तो क्या हो जाएगा कोसाइन रूल अब कॉस अल्फा को बोलते हैं एल कॉस बीटा को बोलते हैं एम और कॉस गामा को बोलते हैं एन तो व्हाट इज ऑर कॉस अल्फा एम एल व्हाट इज ऑर कॉस बीटा एम व्हाट इज ऑर कॉस गामा गाइस एन और याद रखना इन तीनों का स्क्वायर किया मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इट इज ऑलवेज इक्वल टू वन दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेन बच्चो ये क्या है एलिमेन के बीच का रिलेशनशिप बच्चों क्या है ये आपका एलमेन के बीच का रिलेशनशिप थैंक यू यू गाइस, थैंक सो मच। अल्फा, बीटा, गामा ये है हमारा तो आ, क्या बोल सकते हैं कि कोसाइन, दैट इज डीसीएस डायरेक्शन कोसाइन, और जब इनके बीच का रिलेशन किसी ने भी पूछा याद रखना

बच्चों का रेशियो सेम आता तो समझ जाना वो आपका डायरेक्शन रेशियो है अदरवाइज नहीं अब डायरेक्शन रेशियो का यूज करके एलिमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों जल्दी बोलो डायरेक्शन रेशियो का यूज करके एलिमेंट कैसे निकालते हैं सर एल होता है प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला अरे बेटा रुक जा जरा सबर कर देखो मुझे सब बताना है अगर चाहिए तो मैं आपको पी वाई क्यू एमसी क्यू करा सकता हूँ बट फिर क्या क्लिक नहीं होगा इसलिए मैं आपको सारे फॉर्मुल बता रहा हूँ बेटा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस बी अपॉन स्क्वायर 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 रूट ऑफ ए प्लस B प्लस बी सी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अच्छा ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लो दो वेक्टर दिए गए हैं एक वेक्टर दो वेक्टर इन दोनों वेक्टर का अगर मुझे निकालना है परपेंडिकुलर वेक्टर इस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू तो बोथ ए बार एंड बी बार ये वेक्टर बच्चों क्या है ए बार बी बार दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इफ योर वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए बार एंड बी बार उस केस में उस परपेंडिकुलर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बात है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चलो बहुत बढ़िया और अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है देखो तो प्लीज सीख लो क्योंकि ये आपको लाइन प्लेन में भी मिलेगा और वेक्टर में तो मिल ही रहा है तो अगर बच्चों हमें बार बार क्रॉस का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या होगा बार बार क्रॉस डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड क्या बात है यार मजा आ गया मजा आ गया सर चलो एक दो कॉन्सेप्ट और देखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे चलो मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल मान के चलो मान के चलो आपके पास ये ट्राइंगल है मान चलो ए बी एन सी तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं ए बी सी में से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं चलो हमने पॉइंट A लिया. पॉइंट A से A, पॉइंट ए ए ए ए ए ए ए लिया से से बी बी बार 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 सी सी तो क्या करोगे क्रॉस निकाल करके क्या निकालोगे मैग्नीट्यूड और उसका सॉरी हाफ करना भूल गया बच्चों में हाफ वो होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो क्या हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ ऑफ ए बी बार क्रॉस ए बार लेकिन अगर मान के चलो कि मेरे पास एक पैरालेलोग्राम है ये पैरालेलोग्राम है इसके अंदर दो को टर्मिनस एजेस है बच्चों ए बार एंड बी बार क्या है बोलो ए बार एंड बी बार तो बोलो एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम क्या हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड वाओ ए बार और ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड लेकिन अगर आपको डायगोनल दे दे तो so, उस केस में निकालने के दो तरीके हैं या तो उसके हम एजेस यूज करें या तो हम uh, क्या बोलते हैं डायगनल यूज करें अगर को टर्मिनस एजेस यूज कर रहे हैं तो ए बार क्रॉस बी बार आएगा मैग्नीट्यूड में अगर डायगनल यूज करें सी बार क्रॉस डी बार का मैग्नीट्यूड इंटू हाफ यस दैट्स इट ठीक है बच्चों So, आज हमने लगभग पूरा बेसिक्स किया है और कोलिनियर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या क्या होता होता है होता है इसके पर हमेशा पूछे हैं ये दो concept explain करने के बाद इन्हीं रिलेटेड टॉपिक वाइज बहुत सारे मैं पीवाई बहुत सारे एमसी क्यू एंड पीवाई क्यू करने वाला हूँ तो थैंक यू सो मच एवरी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन बहुत अच्छा लगा इतने सारे बच्चों ने लेक्चर देखा बट प्लीज आप सभी लिख से आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो बिकॉज आज पूरा बेसिक किया है कुछ क्वेश्चन किए हमने बट नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय स्टूडेंट्स